हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली हमने इनका स्मूथनिंग किया था और ये वाली जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये स्मूथनिंग के टाइम की थी। और ये वाली जो क्लिप देख रहे हैं ना, आफ्टर 3 डेज, हमने इनको 3 दिन के बाद बुलाया था और इनके बालों का टेक्स्चर कुछ ऐसे था। ठीक है, इनको हमने बोल दिया था कि बालों में बिल्कुल भी पानी नहीं लगने देना है। ठीक है, बालों को बांधना नहीं है, क्लेचर नहीं लगाना है, कान के पीछे नहीं करना है, बालों में कॉम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बालों को, और सोते समय भी बड़े ध्यान से सोना है। तो ये मेरे पास 3 दिन के बाद आई थी और यहाँ पे मैं इनके बालों को चेक कर रही थी कि कहीं से कोई डेंट तो नहीं आ गया है या फिर इन्होंने कान के पीछे तो नहीं कर लिए। ठीक है, तो इनको बुलाया था हमने 3 दिन के बाद में। और अभी आप देखना कि हम जब भी 3 दिन के बाद कस्टमर को बुलाते हैं तो उनका हम क्या करते हैं। ठीक है, मीन्स उनके बालों के साथ हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक्सटेंशो का शैम्पू। एक्सटेंशो का हमने इसलिए लिया है क्योंकि इनकी जो स्मूथनिंग की थी हमने लॉरियल एक्सटेंशो की थी, तो उस वजह से ये हमने एक्सटेंशो का शैम्पू लिया है, मास्क लिया है और ये सीरम। सीरम मैंने इसलिए एस्ट्रिक्स का लिया है बिकॉज मुझे यही वाला बहुत पसंद है। तो अभी हम इनका करेंगे हेयर वॉश। हेयर वॉश के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक बाउल में थोड़ा सा शैम्पू ले रही हूँ और इसमें पानी मिक्स करके इसको अच्छे से डाइल्यूट करूँगी, फिर हम इनके बालों में लगाएंगे। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। ड्राई बालों में आपको शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आपको इस तरीके से पानी मिक्स करना है और बालों को बहुत अच्छे से गीले करने हैं, देन आपको शैम्पू करना है। ठीक है, पहला वॉश हम इसलिए करते हैं ताकि हम देखते हैं कि जो हमने स्मूदनिंग का प्रोसीजर कस्टमर के ऊपर क्या था, उसका रिजल्ट कैसा आया है, बिकॉज 3 दिन के बाद ही असली रिजल्ट का पता चलता है। इस बात का ध्यान रखना। बहुत लोगों के ये कमेंट होते हैं कि दीदी 3 दिन के बाद जब हमने हेयर वॉश किया था तो हमारी स्मूथनिंग खुल गई थी, डेंट आ गया था। सो गाइस, इसी वजह से हम अपने पार्लर में बुलाते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जो हमने क्लाइंट के ऊपर स्मूथनिंग किया था क्या वो परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसमें कहीं से कोई डेंट आ जाता है तो फिर उसका हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। बट ऐसा अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है। जिसका भी हमने किया है बहुत अच्छे से सबका हो गया है, बिकॉज हम क्रीम उस हिसाब से बालों के हिसाब से लगाते हैं कि बालों का टेक्सचर कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे शैम्पू बहुत अच्छे से करना है, जो भी केमिकल यूज़ हुआ था वो बहुत अच्छे से निकल जाना चाहिए, आप देख रहे हैं। और हल्के हाथों से करना है, हल्के हल्के मसाज देते हुए शैम्पू करना है। शैम्पू को करना है 2 बार इस वीडियो में। और इस वीडियो को मैं छोटा करके इसलिए बना रही हूँ बिकॉज बहुत लंबी वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है ना। छोटी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी कि 3 दिन के बाद क्या करना होता है। और गाइस, ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है ना। स्मूथनिंग तो करके भेज देते हैं बट 3 दिन के बाद में बुलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें देखना होता है कि कस्टमर का जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में कैसा आया है ना। और अभी आप देख लीजिए, इनका कर रहे हैं हम शैम्पू। इनको 3 दिन के बाद हमने बुलाया था, अभी इनका हमने किया फर्स्ट शैम्पू और अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं टॉवल ड्राई। तो ध्यान रखिए, आपको टॉवल ड्राई भी बहुत हल्के हाथों से करना है। 30-40% जो है पानी बालों से निकल जाना चाहिए। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे लगाएंगे मास्क। तो सेकेंड स्टेप जो है, पहला हमने इनका हेयर वॉश किया शैम्पू से, सेकेंड अभी हम यहाँ पे लगाएंगे इनका मास्क जो कि था लॉरियल का एक्सटेंशन मास्क। अगर आप मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक्स के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, अगर आप शॉशकॉफ के यूज़ कर रहे हैं तो आपको शॉशकॉफ के यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। जिस कंपनी का आपने स्मूथनिंग किया है सेम कंपनी का ही आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो सेकंड हम यहाँ पे लगाएंगे मास्क। और मास्क को आपको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेना, थोड़ी ही क्वान्टिटी में लेना है और नीचे वाली लेंथ से स्टार्ट करते हुए देन ऊपर जाना है। आप देखना वीडियो में मैं किस तरीके से कर रही हूँ, हम इसी तरीके से क्लाइंट के ऊपर करते हैं और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपको के जो भी डाउट्स होंगे गाइस, मैंने कोशिश की है अपनी स्मूथनिंग की वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करने की, फिर भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं, या तो आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं या फिर पता नहीं क्या, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। ठीक है, उसके बाद भी आप पूछते हैं कि मैम मशीन कौन सी है मशीन, तो मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि गाइस मुझे कैरा फिलिप्स की कैरा शाइन अच्छी लगती है, आइकॉनिक की ग्लैम, आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेट क्रीम स्ट्रेटनर अच्छी लगती है। आप बोलते हो कि रिजल्ट नहीं आया, तो गाइस रिजल्ट कहाँ से आएगा? अगर आप नोवा वगैरह की कंपनी की मशीनें यूज़ करोगे तो उससे रिजल्ट नहीं आता है। आपका रिजल्ट आएगा अगर आपकी स्ट्रेटनर मशीन अच्छी है तो, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे हम इनके लगा रहे हैं क्रीम और आपको नीचे की लेंथ से स्टार्ट करना है और ऐसे इमल्सीफाई करना है, देन ऊपर की तरफ जाना है। स्कैल्प पे नहीं लगाना, ठीक है, और बाय चांस स्कैल्प पे अगर थोड़ी बहुत लग भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना, ये आपको कंडीशनर की तरह लगाना है। और बट आपको इसको इमल्सीफाई करना है इस तरीके से,
ये आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, आपके बालों के ड्राइनेस को दूर करेगा, रफनेस को दूर करेगा, ठीक है, बालों में शाइन लेकर के आएगा। तो मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपने स्मूथनिंग बालों में कराई है तो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको केयर करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। मास्क लगाने के बाद हम इनको 4 से 5 मिनट मास्क लगा के इमल्सिफाई करते हैं, देन 5 से 7 मिनट हम इनको छोड़ेंगे, देन उसके बाद में हम इनका कराएंगे हेयर वॉश। और हेयर वॉश भी आपको सिंपल पानी से करना है, हम इनको कोई शैम्पू नहीं लगाएंगे, कंडीशनर नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल पानी से वॉश करना है। इस तरीके से पहले आपको इमल्सिफाई करना है नीचे की लेंथ पे, देन आपको हल्की हल्की सी इस तरीके से मसाज देनी है, देन हेयर वॉश करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें, बट हाँ आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं जब आप पहले कस्टमर को स्मूथनिंग करके भेजते हैं। 3 दिन के बाद का जो पहला वॉश होता है वो आपको ही करना है अगर आप पार्लर में कर रहे हैं तो, ठीक है। ये उनको भी मैं बता रही हूँ जिनका पार्लर है और जिनको स्मूथनिंग जैसे नहीं आती, बहुत से पार्लर हैं ऐसे छोटे छोटे जिनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं और वो वीडियोज़ को देख के सीखते हैं ना, तो उनके लिए इस तरीके की वीडियो बहुत यूज़फुल होती है। मुझे काफ़ी कॉमेंट भी आते हैं कि आपकी वीडियो को देख के हमने किया था तो रिज़ल्ट अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे हेयर वॉश किया, हेयर वॉश करने के बाद हम यहाँ पे टॉवल ड्राई कर रहे हैं, ठीक है। टॉवल ड्राई इनके अच्छे से करना है, देन हम इनको करेंगे ब्लो ड्राई। अच्छा, ब्लो ड्राई में मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, पहले कूल हवा देनी है हम इनको, फिर हमें हॉट वाली देनी है, ठीक है। आपको हॉट वाली पहले नहीं देनी है, पहले आपको ठंडी हवा देनी है, फिर आपको गर्म हवा देनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम इनका करेंगे अच्छे से ड्राई बालों को। ड्राई करने के बाद जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए, मीन्स बालों में से पानी थोड़ा सा निकल जाए, तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे सीरम। सीरम आप यहाँ पे एक्सटेंशो का भी ले सकते हैं, लॉरियल के एक्सटेंशो का। बाकी मुझे स्ट्रिक्स का बहुत पसंद है, मुझे लॉरियल से ज़्यादा स्ट्रिक्स का पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिक्स का लगा रही हूँ। और स्ट्रिक्स का भी आपको देखो इस तरीके से लगाना है, हाथ में लेना है, रब करना है, देन नीचे वाली लेंथ पर लगाना है, ठीक है। नीचे वाली लेंथ पर ठीक से लगाना है, देन जो बच जाए हल्का फुल्का आपको लेकर के जाना है ऊपर इस तरीके से। तो ये सारे स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बहुत अच्छा वाला रिज़ल्ट चाहिए तो, ठीक है। क्लाइंट को आपको अच्छा वाला रिज़ल्ट देना है तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दी आके आपने भी स्मूथनिंग करा रही थी, गाइस मैंने स्मूथनिंग नहीं करा रखी है, मेरे एक्चुअली नेचुरल ही स्ट्रेट है, अभी आपको थोड़े से कर्ले लग रहे होंगे बिकॉज मैंने बालों में कॉम भी नहीं किया था, गीले बालों को सिर्फ ऐसे झाड़ लिया था और मेरे पार्लर में एक क्लाइंट आ गई थी, ठीक है। तो अभी हम इनका कर रहे हैं ड्राई, और ड्राई करने के बाद आप जो 3 दिन के बाद बुलाते हैं ना, ज़रूरी है आप इनके बालों में स्ट्रेट करें। ड्राई के बाद ही आप देखेंगे कि बहुत अच्छा वाला रिजल्ट आ जाएगा, आपको स्ट्रेटनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं कितने स्ट्रेट हो गए। आप मेरी इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है उस वीडियो में आप देखना कि इनके बालों का जो टेक्स्चर था वो कैसा था। हो सके तो मैं साइड में कहीं फ़ोटो लगा दूंगी कि इनकी जो बालों का था टेक्स्चर था वो एक्चुअल में कैसा था और रिज़ल्ट कैसा आया, ठीक है। तो मैं साइड में कहीं फ़ोटो लगा दूंगी तो आप देख लेना, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। आप देख लीजिए बालों को, हमने अभी सिर्फ ड्राई ही कर रहे हैं गीले बालों में, तो कितने स्ट्रेट हैं, कहीं से भी कोई डेंट नहीं आया था, ठीक है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना, अगर आपके करने का जो तरीका है वो अच्छा है तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, काम अच्छे से करना होता है, ठीक है। आपको क्रीम कितने समय तक लगानी है बालों के टेक्सचर के हिसाब से होता है, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि देख लीजिए अंदर से भी कोई डेंट, कहीं से कोई कर्ल, कुछ भी नहीं है, हर जगह से प्रॉपर जगह से बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। यहाँ पे मैं यही चेक करा रही हूँ आपको, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, और देखो 3 दिन तक सारी जो केयर है ना वो 3 दिन तक करनी होती है। हमने कस्टमर को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि 3 दिन तक आपको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, ठीक है। अब ये बालों में कुछ भी कर सकती है, मेन शैम्पू बालों में कॉम सकती है, बालों में हल्का क्लचर भी लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। देख लीजिए कितनी अच्छे से शाइनिंग आई है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो कहीं से भी कुछ भी थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें, कमेंट क्या करें, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लोगों के कमेंट पढ़ के। एंड आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया उसके लिए आपका थैंक यू, उसमें 2.5+ मिलियन व्यूज़ हैं, एंड बहुत आप लोगों ने प्यार किया, बहुत पॉजिटिव आपके कॉमेंट थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइज आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे बता दिया करें, मैं कोशिश करूँगी इसके ऊपर वीडियो बनाने की। एंड इनको हमने बोला था कि आपको एक्सटेंशो का ही शैम्पू और मास्क यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करना। अगर देखो इनको लॉन्ग स्टे तक ये चीज़ें अपने बालों में रखनी है, तो मीन्स स्मूथनिंग लॉन्ग टाइम तक रखनी है, तो ये सारी चीज़ें इनको यूज़ करनी पड़ेगी, इससे बाल इनके डैमेज भी नहीं होंगे। तो यहाँ हम इनको दे रहे थे लॉरियल का ही शैम्पू, ये हो गया लॉरियल का मास्क, और स्ट्रिक्स का मैंने इनको बोला था सीरम यूज़ करने के लिए,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखें, लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का है, हम इनको देंगे बिकॉज इनको अब यही यूज़ करना है। तो क्लाइंट हमारी बहुत खुश थी और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि जो हमने काम किया था वो सक्सेसफुल रहा, मीन्स कहीं से कोई डेंट नहीं आया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।